शिक्षा भर्ती घोटाले में फंसे पार्थ चटर्जी को अब ममता सरकार ने सभी मंत्री पदों से हटा दिया है। जी हां, आपको बता दें, जब पार्थ शिक्षा मंत्री थे उस दौरान उनका एक घोटाला सामने आया है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। इसी बीच ममता बनर्जी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें सभी पदों से हटा दिया है। बता दें, फिलहाल पार्थ चटर्जी को उद्योग मंत्री के पद से हटाया जाएगा और साथ ही साथ बाकी पदों से भी हटाया गया है। बता दें, बाकी पदों में सूचना और प्रसारण विभाग, संसदीय मामलों से जुड़े विभाग आदि भी शामिल रहे। उन सभी पदों से पार्थ चटर्जी की छुट्टी कर दी गई है। जी हां, पार्थ चटर्जी को ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया था। बता दें, पार्थ की गिरफ्तारी अर्पिता मुखर्जी के पकड़े जाने के बाद हुई, जब अर्पिता के घर पर मारे गए छापे में 20 करोड़ के करीब रुपए का कैश मिला। उसके बाद पार्थ चटर्जी भी फंसते नजर आए। इसी बीच आपको बता दें, हाल ही में बुधवार को अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर पर भी छापा मारा गया, जिसमें 20 करोड़ रुपए कैश मिला और साथ ही साथ कई किलो सोना भी बरामद हुआ है। और इसके बाद अब ममता बनर्जी सरकार ने पार्थ चटर्जी को उनके सारे पदों से हटा दिया है और अब मांग की जा रही है कि उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया जाए। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताजा तमाम बड़ी अपडेट से हमेशा जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।